हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए यूजफुल होती है, या आप अपना डायबिटीज़ इन होम्योपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ क्या होता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी सेल्स के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ब्रेन के लिए तो ये फ्यूल का काम करता है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। मेनली जो डायबिटीज़ होता है वो मेनली टू टाइप का होता है। एक तो टाइप वन डायबिटीज़ होता है। टाइप जो वन डायबिटीज़ होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। वो किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है, अंडर 30 एज ग्रुप में देखने को ज़्यादा मिलता है। ये जन्मजात होता है। ये इसमें क्या होता है कि हमारी जो पैनक्रियाज में जो इंसुलिन ही सिक्रेट नहीं होता, तो हमारे जन्मजात ही ब्लड का लेवल, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। जो टाइप टू डायबिटीज़ होता है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, उसको हम अपने खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक गैस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ बढ़ता है और जैसे ही डिलीवरी होती है तो डायबिटीज़ अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। तो डायबिटीज़ की रेंज क्या होती है? जो अब हम फास्टिंग कंडीशन में पहले बता रहे हैं कि डायबिटीज़ की रेंज क्या होती है। फास्टिंग कंडीशन में अगर अंडर 100 है तो आप नॉन डायबिटिक है। अगर 100 से 125 की रेंज में है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर 125 से अबव आपका आ रहा है तो आप डायबिटिक कंडीशन में हैं। अब मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद की कंडीशन बता रही हूँ कि खाना खाने के 2 घंटे बाद डायबिटीज़ की जो रेंज बता रही हूँ, अगर आपकी 140 से अंडर है तो आप नॉन डायबिटिक है। अगर 140 से 190 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर इससे 190 से अबव जा रहा है तो आप डायबिटिक कंडीशन में हैं। तो ये डायबिटीज़ की रेंज हो गई। तो अब मैं बताऊँगी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं डायबिटीज़ के केस में। एक तो अगर आपको थ्रस्ट ज़्यादा लग रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, कमजोरी रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो आप अपना एक ब्लड टेस्ट करा के आप कंफर्म करा सकते हैं कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि बुखार लंबे समय तक बना रहता है और कोई भी चोट है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है डायबिटीज़ के केस में। तो डायबिटीज़ के केस में हमारे किडनी पे भी इफ़ेक्ट डालती है, लीवर पे भी इफ़ेक्ट डालती है, और हमारी आँखों में एक डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। आँखों में धुंधलापन लगने लगता है, किडनी को भी ये साथ में इफ़ेक्ट करते हैं। और तो डायबिटीज़ के कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं? एक तो अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि बीपी की खा रहे हैं आप मेडिसिन, शुगर की खा रहे हैं, थायराइड की खा रहे हैं, हार्मोन रिलेटेड कोई मेडिसिन एलोपैथिक ले रहे हैं, तो आप उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोनों में आपको 1 घंटे का अंतर रखना होगा, तब आप मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अपने एलोपैथिक मेडिसिन की डोज को पहले धीरे धीरे करके बंद करनी है। जैसे कि अगर आप 100 की डोज में ले रहे हैं तो आप 50 की डोज में लेंगे, उसे कम करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ। जब आपको लगेगा कि अब आपका शुगर लेवल स्टेबल हो रहा है तो आप उसकी रेंज को फिर 25 करेंगे, देन आप करके एलोपैथिक मेडिसिन को आपको एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे इसकी डोज को कम करके बंद करना है। तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ। मेरी फर्स्ट मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7, SBL का ले सकते हैं, इसे आप डॉक्टर रैकवैक का ले सकते हैं। इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। मेरी दूसरी मेडिसिन मैं एक ड्रॉप बताने जा रही हूँ, एलिंस का 08 डायबिटिक ड्रॉप। ये कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इन मेडिसिन को कंटिन्यू करते रहिए और आप अपना शुगर लेवल चेक कराते रहिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट अटैक के भी चांसेस जो नॉर्मल पर्सन की बजाय 50 या 60% ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्टरीज़ में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। तो डायबिटीज़ ये एक बहुत ही मतलब ख़तरनाक बीमारी है। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।